नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिंह। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लगभग 300 वर्ष पुराने श्री देव शक्ति गणेश मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु तिल गणेश के पावन अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री शक्ति देव गणेश की पूजन अर्चन की। यहां मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा से श्री गणेश मंदिर के पीछे दीवार पर 1 रुपए का सिक्का चिपकाते हैं, यदि उनका सिक्का चिपक जाता तो उनकी हर मुराद ये पूरी होती है। लगातार श्रद्धालु हजारों की संख्या में यहाँ पर परिवार और बच्चों सहित पहुँचते हैं और अपनी अपनी मान्यताएं मांगते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है, यहाँ हमने जो भी मान्यताएं मांगी वो हमारी सदैव हुई। 1 सप्ताह तक लगने वाले मेले में सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। आज जो है भगवान गणेश जो है तिल संकट चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। आज भगवान गणेश के दर्शन मात्र से ही तिल मात्र जो संकट रहते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। और यहाँ विगत कई वर्षों से ये मेला लगातार चलता आ रहा है और हर बुधवार और चतुर्थी को लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, सिक्का चिपका के भी शादी विवाह के निमित्त अपनी मनोकामना के निमित्त श्रीफल भेंट करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो मूर्ति है लगभग 300 वर्ष पुरानी है, यह दाहिनेवर की मूर्ति है, विशेष मूर्ति रहती है। और यहाँ लोग स्वास्थ्य संबंधी, नौकरी पाने के लिए, संतान पाने के लिए और भी अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, तो भगवान गजानन उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और विशेषकर यहाँ प्रत्येक बुधवार और चतुर्थी लोगों का मेला सा लगता है और प्रत्येक वर्ष की तरह तिल संकटा चतुर्थी पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गजानन के दर्शन मात्र से ही भक्तों के तिल तिल करके जो संकट होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए तिल संकटा का बड़ा विशेष महत्व है। नरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।